Anna's Creative Hub. फ्रेंड्स, हर हफ्ते मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्रिएटिव आर्ट्स। पर आज की वीडियो के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए कुछ बनाऊं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कुछ चीजें जिन्हें हम ऐसे ही थ्रो कर देते हैं और कभी यूज करने का सोचते भी नहीं है। अब जैसे कि पिस्ता शेल्स, यू नो गाइस, मुझे पिस्ता खाना बहुत ज्यादा पसंद है, बट क्या कभी हमने सोचा है उसके शेल्स हम उनको ऐसे ही थ्रो कर देते हैं? क्या हम कभी उनसे कुछ अच्छा सा बना सकते हैं? यस, आज हम उन्हीं पिस्ता शेल से बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर और उससे हम बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल आर्ट। सो उसको आज हम बनाना शुरू करेंगे। एंड गाइस, ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम बहुत ही स्पेशल यूज कर रहे हैं। हमें बस एक कार्डबोर्ड चाहिए बेस के लिए और कुछ चाहिए पिस्ता शेल। सो फ्रेंड्स, अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इस वीडियो को शुरू करेंगे। गाइस, आज की इस बहुत ही ब्यूटीफुल और इनोवेटिव आर्ट पीस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कार्डबोर्ड का पीस लिया है और अब जल्दी से हम बेस को पहले रेडी कर लेंगे। गाइस, आज के इस आर्ट पीस के लिए बेस बहुत ही सिंपल रहने वाला है। इट इज गोइंग टू बी प्लेन ब्लैक। आपको लग रहा होगा सिंपल प्लेन ब्लैक जो जब बेस होगा तो क्या वॉल आर्ट उतनी ब्यूटीफुल बनेगी? बट यस, इट इज गोइंग टू लुक रियली ब्यूटीफुल। सो हम जल्दी से इसको बस एक प्लेन ब्लैक कलर में हम फिनिश कर देते हैं। अब हमने अपने इस बेस को बहुत ही अच्छे से ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है और अब हमें वेट करना होगा एटलीस्ट 10 मिनट्स कि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए और उसके बाद हम करेंगे दूसरा स्टेप। अब हमारा ये बेस कलर बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब हम इसको रखेंगे साइड में क्योंकि अभी हमें अपने बेस की जरूरत नहीं है। अब हमें बनाने हैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स, पता है आपको किस चीज से? पिस्ता शेल से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से पिस्ता शेल्स और हम सब पिस्ता खाते हैं, इंजॉय करते हैं और इन शेल्स को हमेशा ऐसे ही फेंक देते हैं। सो आज हम इन्हीं से ही बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पेपर का पीस लिया है, ये एक नॉर्मल थिक पेपर है। इसका डायमीटर लिया है मैंने 8.5 सेंटीमीटर और अब जल्दी से हम इस बेस के ऊपर बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर। ये सबसे सिंपलेस्ट फ्लावर है पिस्ता शेल से जो हम बना सकते हैं। सो हम यहाँ पे हॉट ग्लू लेंगे और हॉट ग्लू को मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई करूंगी पेपर की एज पे और वन बाय वन हमें पिस्ता शेल लेना है और इसकी एज पे हमें पेस्ट करना स्टार्ट करना है। गाइज, ये सबसे ज्यादा सिंपल टेक्निक है पिस्ता शेल से फ्लावर क्रिएट करने की एंड ट्रस्ट मी, ये फ्लावर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनता है। बस इसी तरीके से हम सारी शेल्स को पेस्ट करते चले जाएंगे। अगर आपको फ्लावर बड़ा बनाना है तो आप पेपर का जो आपका जो बेस है उसका डायमीटर आप बड़ा ले सकते हैं। अगर आपको छोटा बनाना है तो ऑफकोर्स आप छोटा बेस ले सकते हैं। आप देख ही सकते हैं इसमें बिल्कुल भी एफर्ट लग ही नहीं रहा है, बहुत ही इजीली ये शेल्स पेस्ट हो जाती हैं और कितना इजीली ये फ्लावर बनना स्टार्ट हो गया है। और गाइस, आप देख सकते हैं ये कितना प्रिटी फ्लावर हमारा रेडी हो चुका है इन पिस्ता शेल से। सो इसी सेम तरीके से मैंने यहाँ पे दो फ्लावर्स और रेडी करके रखे हुए हैं और अब हमें करना है प्रोसेस इन फ्लावर्स को पेंट करने का, इन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने का। सो उसके लिए मैं अपनी यहाँ पे प्लेट में लेने वाली हूँ मैं मीडियम मैजेंटा कलर, एक्रेलिक कलर है ये और हम इसी कलर से इन फ्लावर्स को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएंगे। सो मीडियम मैजेंटा कलर मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ और साथ में मैं लेने वाली हूँ थोड़ा सा व्हाइट कलर क्योंकि मेरे को इन दोनों कलर का कॉम्बिनेशन ही इन कलर्स पे लगाना है। सो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ व्हाइट कलर और अब मैं जल्दी से इन दोनों कलर्स को मिक्स कर लेती हूँ। And this color is looking so beautiful. It is looking so pretty. I'm sure ये इस black base के ऊपर जब ये pink flowers लगेंगे ये बहुत ही beautiful लगने वाले हैं। हमें बहुत ही ध्यान से इनको paint करना है कि ये जो color है बहुत ही अच्छे से सारी तरफ लग जाए। बिल्कुल भी हमें पिस्ता shell का base जो brown color है वो नहीं दिखना चाहिए।
गाइस इसको पेंट करने में ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमें बहुत ही अच्छे से इसको पेंट करना है कि ये हमारा जो कलर है ये हर जगह पे अप्लाई हो जाए. सो ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, बट ये हमें बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि सारी फ्लावर्स की लुक इसी से ही आने वाली है. इस फ्लावर के अंदर अंदर बहुत अच्छे से ब्रश को डाल के हम सारे में बहुत ही अच्छे से कलर को फिल कर लेंगे जिससे कि हमारा ये जो ब्राउन कलर का बेस है ये बिल्कुल भी विजिबल ना हो. और अब इसी कलर का थोड़ा सा डार्कर शेड लेके हम इसमें थोड़ा सा शेडिंग इफेक्ट देंगे जो हम पिस्ता शेल्स के बेस से देना स्टार्ट करेंगे. गाइस ट्रस्ट मी, ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. इट इज लुकिंग रियली प्रिटी. दिस कलर हैज कम आउट रियली वेल. आप चाहें तो ऑफकोर्स आप कोई और कलर भी कर सकते हैं, बट एज यू नो पिंक इज माई फेवरेट कलर, तो मैंने तो इस फ्लावर को पिंक में ही पेंट किया है. अब ये फ्लावर हमारा बहुत ही अच्छे से पेंट हो चुका है और इसके बेस में जहां जहां पे भी कलर रह गया है वहां पे मैं जल्दी से पेंट कर लूंगी और इसी सेम तरीके से हम बाकी दो फ्लावर्स को भी पेंट कर लेंगे. गाइज ये हमारे फ्लावर्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं एंड दीज आर लुकिंग सो प्रिटी. इनके कलर्स कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, राइट? और अब हमें करना है एक और चीज प्रिपेयर हमारे इन फ्लावर्स के लिए, लीव. ये एक बहुत ही सिंपल पैटर्न है लीफ का, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो मैं एक सिंपल एक लीफ कट कर लूंगी और अब इस लीफ को हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे. आप चाहें तो आप फोम शीट की भी लीव्स बना सकते हैं इफ यू डू नॉट हैव फेल्ट, बट आई प्रेफर फेल्ट क्योंकि ये कभी भी खराब नहीं होता है, ये कभी भी फटता नहीं है. सो ऑफ कोर्स हमारी जो आर्ट पीस है वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा. हम जल्दी से इनको अच्छे से कर्ल करेंगे. आप ध्यान दीजिए कोई भी लीफ मेरी सेम साइज की नहीं है, ये सारी लीव्स बिल्कुल अलग अलग साइजेस की हैं, बट ऑफ कोर्स एक बेसिक शेप इनकी सेम है. अब जल्दी से इन लीव्स के बॉटम में मैं एक छोटा सा कट लगाऊंगी और इनको मैं इस हॉट ग्लू की हेल्प से ओवरलैप करके पेस्ट कर लूंगी सो दैट इन लीव्स को एक डायमेंशन मिल जाए और इनमें थोड़ा एक कर्व एड हो जाए. So, हम जल्दी से सारी लीव्स के साथ यही सेम प्रोसेस रिपीट कर लेंगे. गाइज मेरी ये आज की वॉल डेकोर भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है DIY का, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का, जिसमें हम पिस्ता शेल्स को यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल ही एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हम कभी भी यूज करने का सोच भी नहीं सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी ये वॉल डेकोर बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी. सो अब आगे से जब भी आप पिस्ता खाएं सो प्लीज आप उसके शेल्स ना फेंकिएगा. यू कैन क्रिएट सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स विद those shells. और अब कुछ लीव्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और अब स्टार्ट करते हैं हम इस ब्यूटीफुल वॉल आर्ट को तैयार करना. सो उसके लिए हम फ्लावर्स को रखेंगे साइड में और हम लेके आएंगे अपना ये एक बहुत ही सिंपल बेस जिसमें हमने सिर्फ ब्लैक एक्रेलिक पेंट किया था और अब इसको हम बहुत ही ब्यूटीफुल और एक नया लुक देने वाले हैं. सो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ मेरा ये छोटा वाला फ्लावर और इस पे मैं बहुत अच्छे से हॉट ग्लू अप्लाई करूंगी बैक साइड पे और इसको अब हम पेस्ट करेंगे हमारे इस बोर्ड के ऊपर. सो ऑफकोर्स आप चाहें तो आप प्लेसमेंट पहले चेक कर सकते हैं कि आपको किस अरेंजमेंट से लगाना है. जैसे मैं फर्स्ट फ्लावर यहाँ लगाने वाली हूँ एंड ये जो थोड़ा बड़े साइज का फ्लावर है आई एम थिंकिंग टू पेस्ट इट हियर एंड जो छोटे वाला है उसको भी मैं यहाँ पेस्ट करूंगी. सो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मैं इसको देने वाली हूँ. सो अब जल्दी से हम इसको पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं. और तीनों फ्लावर्स को हमने बहुत अच्छे से पेस्ट कर दिया है हॉट ग्लू की हेल्प से और अब इस प्लेट पे मैं लेने वाली हूँ थोड़ा सा ग्रीन कलर बिकॉज जो स्टेम्स हैं वो मैं पेंट करने वाली हूँ, उनको मैं फेल्ट से नहीं बना रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ ग्रीन कलर और साथ में मैं लूंगी बहुत ही थोड़ा सा मस्टर्ड कलर सो दैट हम थोड़ा सा अपनी लीव्स में एक येलो शेड दे पाए एंड ऑफ कोर्स लिटिल बिट ऑफ वाइट कलर. बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे कलर को लेके ब्रश से इनकी स्टेम्स को ड्रॉ कर लिया है
और अब हम पेस्ट करने वाले हैं हमारी ये फेल्ट लीव्स इस पेस्ट के ऊपर। सो जल्दी से अब मैं इसके ऊपर ये फेल्ट लीव्स को पेस्ट करना स्टार्ट करूँ। इसका कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं होने वाला है, मैं बहुत ही रैंडम तरीके से इन लीव्स को पेस्ट करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अब हमने सारी फेल्ट लीव्स इसके ऊपर पेस्ट कर ली हैं। कुछ फेल्ट लीव्स बच भी गई थी, बट ऑफकोर्स आई फेल्ट कि ये इतनी लगाना काफ़ी है। और अब हमारी ये वॉल आर्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब इसके ऊपर बाकी रहते हैं कुछ फाइनल स्टेप्स। सो सबसे पहले मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ वॉर्निश, सो देट हमारा ये जो हमने पेंट अप्लाई किया है ये कभी भी ख़राब ना हो और हमारे कलर्स हमेशा ऐसे ही बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहें। तो जल्दी से हम वॉर्निश को पहले अप्लाई कर लेंगे और इसी तरीके से हम वॉर्निश को अप्लाई कर लेंगे हमारे इन फ्लावर्स पे भी। और अब इस वॉल आर्ट को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम देने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल येट सिंपल बॉर्डर। सो बॉर्डर के लिए मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ ये सिंपल पर्ल बीज। मैं लगाऊंगी थोड़ी सी हॉट ग्लू साइड्स में और जल्दी से हम इन बीड्स को पेस्ट कर देंगे। गाइस, हमारी ये वॉल आर्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है एंड दिस इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। सिर्फ इन प्लेन बीड्स को लगाने से लुक में कितना डिफरेंस आ गया है, राइट? ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनी है गाइस। और ये कितना इजी था बनाना, हमने ये फ्लावर्स कितने इजीली बना लिए। एंड इमेजिन ये पिस्ते की शेल्स हैं जो हम ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। सो गाइस, आई रियली लव दिस आर्ट। फ्रेंड्स, देखा आपने ये वॉल आर्ट कितनी ज्यादा क्यूट और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल बनी है और ये फ्लावर्स कितने ब्राइट और कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और ऊपर से ये हैवी पिंक कलर के तो मेरे तो फेवरेट होंगे बिकॉज आई लव पिंक कलर। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी पिस्ता खाएंगे ना, प्लीज उसके शेल संभाल के रख लेना सो दैट इवन यू कैन क्रिएट दिस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर योर सेल्फ। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं आप प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हर हफ्ते इसी तरीके से मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही क्रिएटिव बहुत ही यूनिक आर्ट्स। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लेना, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।